तेरे वाल तो मेरी पहले दिन तो नगाए बादला और तू देखता नहीं मैं तेनू की कर रहा। ये बयान पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे ने सीधा निशाना बादल परिवार ते सुमेध सैनी ते सी। सरकार बनदिया ही बेअदबी ते कमीशन बनाए गए ते केस खोले गए। इस दे बावजूद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बयान ही कैप्टन दे सामने आके खड़े हो रहे ने। इन्हों बयानों नू लेके सवाल खड़े करने वाले कोई बेगाने नहीं, उन्हां दे अपने ही ने, यानी उन्हां दे खास मंत्री जिहड़े इस रैली च भी उन्हां दे नाल खड़े नजर आ रहे ने। गौर नाल देखो जरा कौन कौन कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल खड़ा सी। 2017 चोणां च अजिहे भाषणां नाल ही सियासी माहौल गर्म हो गया सी। जिहड़ियां गल्लां कैप्टन साहब ने कहियां सी उन्हां ने अकाली दल ते बादलां नूं डैमेज भी कीता। कैप्टन ने सीधा बादलों का नाम ले लैके निशाने लाए सी। तेरे वाल तो मेरी पहले दिन तो नगाए बादला और तू देखता नहीं मैं तेनू की कर रहा। जिन्ना मर्जी तुसीं बादलों के खिलाफ बोल जो सारे नूं पता है, लेकिन इन्हों का अंत आ गया सी जिस दिन बरगाड़ी का मसला होया। ये जिहड़ा हुक्म गया है ये गया प्रकाश सिंह बादल के घरों। और मैं थोनों एक गल दस दिना कि जिहड़ी CBI नूं देण लगे ने इन्होंने पुलिस का ये हथ नहीं दसिया कि गोली क्यों चली, किने चलाई, किहदा हुक्म सी, उपरों किहदा हुक्म आया। और थोनू पता क्यों? क्योंकि अगर वह गोली दा जिस SP मोगे दा शर्मे नू फड़िया या सुमेध सिंह सैनी जो इन्हों का मुखी से उदों फड़िया उन्होंने सारिया उंगलां बादल वाल कर देनिया सी, तो उन्होंने CBI नू दित्ती होनी। कैप्टन ने कुछ मिनट पहला ही गुटका साहब की सौं खाधी सी। सौं खाण तो बाद बादलों से तिखा हमला करदिया टारगेट किया तो लोगों को इंज लग्या कि सारे मसलों लई उही लोग दोषी हैं जिन्हों का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टेज तो लै रहे हैं। इलैक्शन समय माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष च हुंदा नजर आया, फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। एक एक करके 4 सालों तो वादा समा बीत गया। पहला होर लोग इन्हों वादे बारे बोलते रहे तो हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेड़े रहे कांग्रेस ही उन्होंने वादे याद करवा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल उदों भी तो हुण भी इहो कहिंदा रहा कि सानू जानबूझ के बदनाम करके कांग्रेस ने वोटां लै लईआं ते सरकार बना ली। हुण विधायक ते मंत्री कहिंदे ने वक्त निकलदा जा रहा है, CM साहब पहलां वर्गे नहीं रहे, हुण तां CM साहब तुहाडे अपने भी कहिण लग गए कि तुहाडे च ओह दम नहीं रहा। कित्थे कैप्टन साहब बहुत तगड़े सीगे ते पता नहीं की गल आ उहनां नूं ओही तगड़ाई ਉਹੀ 62 ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ 65 ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਫੌਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ CM ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।